अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी रोड, जीटी रोड तमाम एरियाज पे इस वक्त कर्फ्यू का सा समा है और अंदर क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वो कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे। आखिर क्या ऐसा होने वाला है, आपके सामने फुटेजेस रखने वाले हैं हम। लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस मंजर में देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर वाज़ेह नज़र आ रहा है, पुलिस की एक भारी अक्सरियत पहुंच चुकी है इस वक्त। जो पार्लियामेंट के बाहर के मनासर हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की एक बड़ी नफरी वहां पे पहुंच चुकी है और ये बताया जा रहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट इजलास के दौरान पार्लियामेंट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस के दस्ते भी पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी इर्द गिर्द मौजूद है, पंजाब पुलिस के दस्ते भी मौजूद हैं और इसके अलावा जिस तरह रास्ते बंद किए गए हैं उसके कुछ मनासर भी यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं। इन मनासर में देखा जा सकता है और ये इत्तला आ रही हैं, बताया ही जा रहा है कि श्रीनगर हाईवे पर रूट लगा दिया गया है और बंद कर दिया गया है उसको, और अवाम ये कहती है कि जमहूरियत का जनाजा निकलने वाला है और रात गए अंधेरे में एक और वारदात डाली जा सकती है। और क्या इस्लामाबाद का सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कोई खुलेगा? इस वक्त एक गैर आइनी काम होने वाला है। लोगों का गम गुस्सा और हिजान किसी कैफियत है, इस वक्त भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी ख़बर का। बहरहाल फ़िलहाल के लिए जो खबरें हमें मिल रही हैं वो आपके सामने हमने रखी और मज़ीद हम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपडेट्स के लिए बर वक्त आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। हम आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँगे। कोई भी अपडेट हमें मिलती है इर्द गिर्द से हम आपके सामने लेकर आएँगे। फ़िलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।